नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। गौरमी थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 में किराए से रहने वाली महिला के साथ मकान मालिक के पुत्र ने चाकू की नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता को जब पता चला कि पीड़िता के करीबी रिश्तेदार के मोबाइल पर वायरल वीडियो आया है, पीड़िता ने इसकी शिकायत गौरमी थाने में की है, जिस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया है। पीड़ित ने बताया कि 17/10/2018 के दरमियान रात्रि को मकान मालिक का लड़का हरि ओम प्रजापति होतम प्रजापति पिता उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड 14 कल्याणपुरा रोड का रहने वाला है। पीड़िता 2017 से होतम प्रजापति के मकान के किराए में रहती थी। पीड़िता के पति ने पीड़िता को 2015 से अकेला छोड़कर काम के बहाने बनाकर भाग गया था, जिसके बाद पीड़िता अपने मायके गोरमी में किराए के मकान में ब्यूटी पार्लर का काम कर अपने दोनों बच्चों के भरण पोषण का इंतजाम किया करती थी। रात्रि 11 बजे की घटना है, जब पीड़िता अपने दोनों बच्चों के साथ 17/10/2018 को अपने कमरे में सो रही थी। तभी मकान मालिक का लड़का हरिओम हाथ में चाकू लिए जबरन घर में घुस आया और उसने चाकू लगाकर कपड़े उतारने को, और जब महिला ने विरोध किया तो पीड़िता के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी, जिससे पीड़िता डर गई और आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार दुष्कर्म और मोबाइल से वीडियो बना लिया। और आरोपी ने पीड़िता को वीडियो दिखाकर धमकाया कि अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे और तेरे बच्चों को जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता डरी हुई थी, इस बात को किसी से ना वो कह पाई। जब पीड़िता का शोषण होने लगा तो पीड़िता ने इस बात की शिकायत आरोपी के पिता होतम प्रजापति से भी की। वहीं उसके पिता ने उल्टा पीड़ित के साथ दुष्व्यवहार किया और गौरमी छोड़कर जाने को बोलने लगा। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी के पिता और आरोपी ने पीड़िता से 5 लाख रुपए वीडियो डिलीट करने के मांगे थे। जब पीड़िता पैसे देने में नाकामयाब हुई तो आरोपी ने वीडियो वायरल कर दिया, जिस पर महिला ने गौरमी थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत करवा दिया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 से इमरान अली खान की रिपोर्ट। क्या मामला है ये आपके साथ जबरन किस प्रकार से व्यक्तियों के द्वारा ये के वीडियो वायरल हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं गौरमी से हूँ, 14 वार्ड में रहती थी किराए से। तो हरिओम प्रजापति हैं, तो 2017 में रहने गई थी। तो 2018-10-17 तारीख रात 11 बजे हरिओम आया मेरे रूम में। मैं सो रही थी, बच्चे सो रहे थे, और उसे ने चाकू दिखाया। चाकू दिखाने के बाद उसने वीडियो बनाया और मेरे कपड़े उतरवा कर वीडियो बनाया, उसने वीडियो मेरा वायलेट कर दिया उन्होंने। और मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला अगर कुछ भी बोल मुँह खोलूँगी तो मैं आपको आपके बच्चों को जान से ख़त्म कर देंगे। तो मैंने उसके पिताजी से बोला तो उनके पिताजी ने मेरा रूम खाली करवा दिया, तो मैंने खाली कर दिया। और अब वो मुझे धमकी देते हैं फोन पर, मेरे घर आकर धमकी देते रहे। क्या? जी कहते जान से मार दें, मुंह खोला, मुझे पैसे दो। अब मैं पैसे कहाँ से दूं, मैं खुद मेहनत मजूरी करती हूँ। किस बात के पैसे? ऐसे धमकी, वीडियो की धमकी देते थे वो। आपका वीडियो बनाया था? हाँ, वो मेरा वीडियो बनाया था ना उनने, उसकी वो धमकी देते रहे थे। क्या कहते थे? जी कहते पैसे दो वरना हम वीडियो सबको दिखाएंगे। तो उस वजह से हमने डरते रहे थे गाना। तो मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। जब मेरा वीडियो बारे मुझे करने लगे पैसे मांगने, मैंने मना किया, तो इन्होंने मुझे पैसे सो और जे काना धमकी दे दे के इनने मेरी वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया। तो मैंने अपनी माँ से भाइयों से बोला, तो उसके बाद इनने बोला कि आप घर पे बोल रही बोल दो, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा, आप गौरमी छोड़कर चली जाओ। तो मैंने बोला इज्जत जाती है बहुत, तो थोड़ी आती है लौट के हम गौरमी छोड़ के चले जाएंगे। होतम प्रजापति ने, ये कौन है? उसके पिताजी हैं, उन्होंने मेरी छेड़छाड़ करी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी मेरी छेड़छाड़ करी थी। उन्होंने जो बोला मुँह खोलोगी तो कहीं की नहीं छोड़ेंगे हम आपको। अच्छा। मेरी छेड़छाड़ नहीं करने की वजह से और उन्होंने मेरी वीडियो वायरल कर दी, मैंने मना करने के बाद पैसों की। हाँ, पैसे की मांग कर रहे थे? 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए? हाँ। क्या कह रहे थे? जी कह रहे मेरे लड़के की शादी है, 5 लाख रुपए दो वरना हम वीडियो वाले। मैंने कही मैं कहाँ से दूंगी, तो उन्होंने मेरी छेड़छाड़ करी थी। अरे तो इसके विषय पे आपने अपने परिवार के लोगों को नहीं बताया? नहीं बताया, डरने के मारे। उन्होंने धमकी दी थी ना, उन्होंने जी बोला मैं आपको आपके बच्चों का आपके भाइयों का खतरा है। तो हमने डर के मारे घर पे किसी से नहीं बोला।
और इन बारे में आपने ये पुलिस कंप्लेंट कब की? कब? अभी इनने धमकी दी, इनने ये बोला पुलिस क्या करेगी, कहीं भी चले हम जहाँ पैसे भर देंगे। तो हम डरते रहे, अब पुलिस उनकी ही थी, अब मुझे पता नहीं हमारी उनकी, लेकिन हम डर डरते रहे थे। तो हमने, इनने हमारी बहुत कर दी बेइज्जती, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। तब मैंने पुलिस को जाकर खबर दी, तब मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ, तो पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है? हाँ, कर तो लिया है। अभी अपराधी पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा अभी तक। गोरमी थाना इलाके में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जो दो साल बाद आरोपी ने बीड़ी वाली किया है, जिसको मामला दर्ज किया है। क्या पूरा मामला है? हाँ, एक महिला है, उसने गोरमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है विगत दिनों कि करीब दो साल पहले एक प्रजापति समाज का एक लड़का है, उसके मकान में किराए पर रहती थी, तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था, उसका वीडियो बना लिया था। उसके बाद से वो लगातार उसको धमकी वमकी देता रहा। अब उसने वीडियो वायरल कर लिया, इसके कारण उसने शिकायत की थी, जिस वजह से प्रकरण अब आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है 376 समेत धाराओं में, और उसे गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी। क्या एक ही आरोपी था उसमें? उसके साथ उसके पिता का भी नाम है, परंतु वो उसने उसका महिला कह रहा था कि उसके पिता को जब उसने बताया तो उन्होंने भी उसको धमकी दी थी, इसलिए उसको भी आरोपी बनाया।